हेलो गाइड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप देख रहे हैं राज हिंदी एजुकेशन चैनल और मैं शंकर राज। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना लेबर मजदूरी कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको कैसे चेक कर सकते हैं। आपका मजदूरी कार्ड अभी तक बना हुआ है या नहीं बना है, या उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करें। मजदूरी कार्ड से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। टाइप करेंगे ऑल स्टेट लेबर। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे ऑल स्टेट लेबर, तो आपके सामने खुल के आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट लेबर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो इसको हम ओपन करेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें अपना स्टेट चुनना है। विभिन्न प्रकार के स्टेट्स खुलकर आपके सामने आ गए हैं। यहाँ पर हम अपना स्टेट, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे। तो लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इस प्रकार खुलकर आपके सामने आ जाएगा। और इसके बाद हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल पेंशियल पोर्टल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस, हमें बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्ड पे क्लिक करना है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। तो हम सर्वप्रथम अधिष्ठान पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम श्रमिक पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा। सामान्य जानकारी, पात्रता और समय अवधि, श्रमिक पंजीयन, आवेदन, मार्गदर्शिका, पंजीयन की स्थिति, नवीनीकरण की स्थिति, श्रमिकों की सूची जनपद वार ब्लॉक वार। तो हमें श्रमिकों की सूची जनपद वार ब्लॉक वार पे क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। श्रमिक खोजें, तो हमें यहाँ पर जनपद चुनना होगा। आपका जनपद जो भी है, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, इटावा, मेरा उत्तर प्रदेश है, तो हम उत्तर प्रदेश पर क्लिक करेंगे। उत्तर प्रदेश में हमारा सीतापुर है, सीतापुर। फिर इसके बाद नगर निकाय विकासखंड, तो विकासखंड हम चुनेंगे। यहाँ पर मेरा विकासखंड है सीतापुर, तो हम सीतापुर चुनेंगे। उसके बाद कार्य की प्रकृति पे क्लिक करेंगे। कार्य की प्रकृति है वेल्डिंग का कार्य, बढ़ई का कार्य, कुआं खोदना, रोलर चलाना, छप्पर डालने का कार्य, लोहार, विभिन्न प्रकार के कार्य की लिस्ट आपके सामने खुलकर आएगी। मिट्टी का कार्य, चूना बनाना, विभिन्न प्रकार के जो आपको कार्य करना है, जैसे मिट्टी का कार्य है तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार ये आपका पेज भर जाएगा और यहाँ पे हम आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और फॉर्म को सबमिट करेंगे। पॉप अप लॉग्ड ऑलवेज शो, तो यहाँ पर हम इस प्रकार हमने मजदूरी श्रमिक कार्ड जो है भर दिया है। ऑलवेज शो पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार श्रमिक पंजीयन सूची खुल करके आ जाएगी। फूलमती, नीतू, सीमा, जितने श्रमिक आपके ग्राम सभा के हैं, सभी श्रमिकों की सूची आपके सामने इस प्रकार दिख रही है। मंजू हैं,
चंद्रकली हैं, सुनीता, किरण, निशा, इस प्रकार देखिए आपके स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। रामश्री, पूजा देवी, संगीता, ग्राम ढढेरिया, पोस्ट पहला, सीतापुर, इस प्रकार श्रमिक इन्होंने सभी ने श्रमिक पद पे अपना पंजीयन करवाया है। ममता है, इस प्रकार की लिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। सो गाइस, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हेलो गाइस, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को के नीचे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा वीडियो आगे से आगे बढ़े। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।